क्रमांक 4 की बदलेगी तस्वीर। यासीन भाई छवारे विकास का नया चेहरा। विदर्भ के कमोबेश सभी जिलों में आसमानी आफत जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है। इसके चलते मंगलवार को नागपुर की सावनी तहसील के ब्राह्मणमारी नाले में एक वाहन बह गया। हादसे में वाहन सवार सभी लोगों की मौत होने की सूचना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर की सावनी तहसील में नांदा गोमुख सत्रापुर मार्ग पर ब्राह्मणमारी नाले में आई बाढ़ की वजह से मंगलवार दोपहर स्कॉर्पियो वाहन बह गया। हादसे में स्कॉर्पियो सवार सभी 6 लोगों के मारे जाने की सूचना है। जानकारी के अनुसार नागपुर के झिंगाबाई टाकली निवासी कुछ लोग नांदा गोमुख में चंदू ढोक परिवार के किसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। समारोह के बाद वे सभी मध्य प्रदेश के मुलताई जा रहे थे। भारी बारिश के चलते ब्राह्मणमारी नाले पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। चालक ने वाहन निकालने का प्रयास किया लेकिन स्कॉर्पियो नाले में बह गई। राहत बचाव कार्य के दौरान वाहन सवार झिंगाबाई टाकली नागपुर निवासी रोशनी नरेंद्र चौकीकर उम्र 35 वर्ष और धतोरा मुलताई निवासी मधुकर पाटिल उम्र 60 वर्ष व निर्मला मधुकर पाटिल उम्र 55 वर्ष के शव बरामद किए गए। वहीं दादू नरेंद्र चौकीकर उम्र 13 वर्ष और वाहन चालक विलास उर्फ बबलू ड्यूडे उम्र 35 वर्ष दोनों निवासी झिंगाबाई टाकली नागपुर व नीमू आठनेरे उम्र 45 वर्ष निवासी जामगांव के शव नहीं मिल पाए। काफी प्रयासों के बाद तेज बारिश और अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुल पार करते समय अचानक गाड़ी बंद पड़ जाने से यह हादसा हुआ है।